जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए आज 4 लाइनें मैं समर्पित करना चाहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं। मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अन्न उगाता हूँ मैं, अपने हाथों से उगाया अन्न सबको खिलाता हूँ मैं, इसलिए तो अन्नदाता कहलाता हूँ। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटेटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज 7 अप्रैल 2024 रविवार, आज काफी ज्यादातर मंडियों में आलू की जो मंडियां हैं उनमें छुट्टी रहती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज पे और जो आलू के जो डंप लगे हैं वहां पे आलू के व्यापार होते हैं। तो आज इस वीडियो में डंप वाले आलू और कोल्ड स्टोरेज के आलू के भाव के बारे में आपको जानकारी देंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आगे वीडियो में आपको दूंगा, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो आशा रखता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पुखराज आलू की। तो पुखराज आलू जो डंप वाला है वो आज मैं जो भाव बताऊंगा वो पैकेट के हिसाब से बताऊंगा, तो सब पूरे भारत के जो किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए उनको समझने में सहूलियत रहेगी। तो पैकेट के हिसाब से मतलब अंदाजन 50-51 किलो की बात समझ लेना, 51 किलो के हिसाब से पैकेट के हिसाब से आलू का भाव बताऊंगा। तो पुखराज आलू की बात करें तो डंप वाला आलू जो है वो 750 रुपये से लेकर 950 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात में पुखराज आलू डंप वाला आलू का भाव चल रहा है। और 950 से भी ऊपर जब एकदम बीवीएपी साइज वाला वेफर क्वालिटी का आलू हो, जब साइज के हिसाब से वेफर क्वालिटी का आलू हो तो 1,000 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से पुखराज आलू का अभी बिक्री हो रहा है डंप वाले आलू का। वहीं बात करें कोल्ड वाले पुखराज आलू की तो 800 रुपये से लेके 1,000 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डों से अभी पुखराज आलू बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं सुख्याति आलू की। तो सुख्याति आलू जो राउंड शेप पर आता है, ख्याति जो डंप किया हुआ आलू, इसके बारे में बात करें तो 850 रुपये से लेके 1,000 रुपया और एकदम वीवीआईपी क्वालिटी हो तो 1,050 रुपये तक भी प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात में डंप वाला आलू सुख्याति आलू का भाव अभी चल रहा है। सुख्याति आलू जो कोल्ड में स्टोर किया उसके भाव के बारे में बात करें तो 900 रुपये से लेके 1,000 रुपया, 1,050 रुपया, 1,100 रुपया और 1,125 तक प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डों पे अभी बिक्री हो रहा है। यहाँ पे देखिए किसान भाई, 900 से लेके 1,125 का भाव मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आलू की क्वालिटी के हिसाब से आलू के जो भाव है वो मिलते हैं। तो एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का आलू होगा तो 1,050 से लेके 1,125 रुपये तक प्रति पैकेट के हिसाब से अभी किसान भाइयों को भाव मिल रहा है। और हल्की क्वालिटी का आलू होगा तो 900 रुपया, 950 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से भी गुजरात के कोल्डों से अभी ख्याति आलू बिक्री हो रहा है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात का फेवरेट, बोलते हैं कि सुगंधरी आलू में जो नामना रखता है, पहचान बनाई है बादशाह आलू की। तो बादशाह आलू जो डंप किया हुआ है उसका भाव है 1,000 रुपये से लेके 1,125 रुपया, 1,150 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के डंप वाला आलू का, बादशाह आलू का भाव चल रहा है। वही बात करें बादशाह आलू जो कोल्ड से लोड हो रहा है उसके बारे में, तो 1,000 रुपये से लेके 1,200 रुपया, 1,225 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डों से बादशाह आलू का भाव चल रहा है, किसानों को इतना पैसा मिल रहा है। अब बात करते हैं कोलंबा आलू की, जो महिंद्रा जेपीसी का आता है, एकदम क्वालिटी में नंबर 1 आता है और साइनिंग वाला आता है। तो उसके भाव के बारे में बात करें तो वो ज्यादातर कोल्डों से ही अभी बिक्री हो रहा है, उनके डंप नहीं लगे हैं। तो कोलंबा आलू के भाव के बारे में बात करें तो 1,125 रुपये से लेके 1,250 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डों से कोलंबा आलू अभी बिक्री हो रहा है। वही बात करें लॉकर आलू की, तो लॉकर आलू कोल्ड से 1,200 रुपये से लेके 1,250 रुपये, 1,300 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डों से लॉकर आलू का बिक्री हो रहा है। वही बात करें गुजरात में कोल्डों से अभी एलआर आलू के भाव के बारे में, तो एलआर आलू 17 रुपये से लेके 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से
बिक्री हो रहा है, मतलब कि 850 से लेके 1,000 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से एलआर आलू गुजरात के कोल्डो से बिक्री हो रहा है। वही बात करें एलआर आलू के गुल्ले की बात करें तो गुल्ला आलू है वो 9 रुपये से लेके 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है, मतलब कि 450 से लेके 500 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से एलआर आलू का जो गुल्ला है उसके उसके भाव अभी किसान भाइयों को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों ये गुजरात की प्रमुख आलू किस्मों के भाव थे जो हमने डंप वाला और कोल्डो से जो अभी बिक्री हो रहा है उसके भाव के बारे में अभी आपको जानकारी दिया। अब बात करते हैं किसान भाइयों की जब कोल्डो में से निकासी स्टार्ट हुआ और डंप वाले आलू का जो बिक्री स्टार्ट हुआ तो किसान भाइयों को बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, और किसान भाइयों ने हम जैसे यूट्यूबरों की बातों पे भरोसा करके हमारी बातों का मान रख के जो धीरे धीरे करके अपना आलू बेचने की कोशिश की है तो उनको बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। लेकिन इस साल नहीं पर हर बार हम किसान भाइयों को एकजुट होके समझदारी दिखा के अपने आलू का जो बिक्री है वो करना पड़ेगा, तब जाके ही हमें पूरे साल अच्छे भाव मिलेंगे और आने वाले भविष्य में बेहतर भाव मिलने के चांस बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है किसान भाइयों यहाँ पे कि हमें धीरे धीरे करके अपना आलू बेचते रहना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब ये हुआ कि जिन किसान भाइयों ने अपना आलू मान लीजिए खेतों में थोड़ा बेचा है और बाकी का कोल्ड में भंडारण किया है तो वो किसान भाई अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। लेकिन मेरे बातों का तात्पर्य ये है कि अगर जिस किसान भाई ने खेतों में आलू बेचा है तो वो अभी थोड़ा टाइम अगर मान लीजिए अप्रैल में या तो मई में नहीं बेचते तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने खेतों में आलू नहीं बेचा और पूरे का पूरा आलू अपना भंडारण किया है कोल्डो में तो उनको कुछ ना कुछ अपने भंडारित किए हुए आलू के कुछ हिस्सा अप्रैल महीने में बेचना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि आलू की निकासी भी अच्छी रहेगी और धीरे धीरे करके आलू बेचने में मंडियों पे जो आमदनी का जो प्रेशर बनता है दबाव बनता है तो वो भी नहीं बनेगा, तो आढ़तियों को भी माल बेचने में सहूलियत रहेगी, मंडियों में जो बैलेंस बचता है वो नहीं बचेगा। तो और जब आगे नौ दुर्गा का त्यौहार आ रहा है, रमजान महीना खत्म हो रहा है और इलेक्शन का समय है तो ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से आने वाले 10 या 15 दिन में आलू की जो डिमांड है आलू की जो खपत है वो बढ़ने वाली है, तो उसकी वजह से आज से भी बेहतर भाव हमें मिल सकते हैं। और उसी के साथ साथ में ये बात भी हम किसान भाइयों को ध्यान में रखना होगा कि अब डंप वाला आलू जो है वो खत्म होने की कगार पर है और अभी जो मंडियों में जो आलू की खपत होगी आलू की जो डिमांड होगी वो पूरी कोल्डो पे ही निर्भर होगी और सभी कोल्डो से धीरे धीरे करके अभी निकासी चालू हो गई है, किसान भाइयों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। जिन भंसारी भाइयों ने अपना आलू कोल्डो में भंडारण किया इनको भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो वो भी धीरे धीरे करके अपने आलू बेच रहे हैं, तो हम किसान भाइयों को भी उनकी राह पे चल के अपना आलू धीरे धीरे करके कुछ हिस्सों में बांट के अपने को बेचने की कोशिश करना चाहिए। और हर भाव में अपना आलू बेचने की वजह से हमें जो एक ऑल ओवर जो भाव का जो रेशियो बनता है वो अच्छा मिलेगा। तो जब ये बात हो गई और किसान भाइयों ने माने भी लिया और वो अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से धीरे धीरे करके आलू बेचना स्टार्ट भी किया तो इनको अच्छा फायदा हो रहा है, तो आगे भी ये करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ बातचीत करना पड़ेगा, कोल्डो पे भाव की जानकारी लेना पड़ेगा। हम जैसे यूट्यूबर जो आपके लिए जानकारी जुटा के आप वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करते हैं जानकारी, तो उसके उसको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा और उसके आधार पे ही आपको आगे जाके अपने आलू कैसे बेचना है और कितना आलू बेचना है वो आप निर्णय ले सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आप इस बात को पूरी तरह समझेंगे और उसी हिसाब से आप अपना काम ऐसे ही करेंगे तो जिसकी वजह से हम सबको फायदा होगा। तो आशा रखते हुए आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते, और लाइक करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, खाली जो थंब वाला अंगूठे वाला जो निशान दिखाई दे रहा है आपको नीचे उसके ऊपर प्रेस करना है। और जिस किसान भाई हमारे साथ इस वीडियो से अभी जुड़े हैं नए नए और हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आने वाले हर वीडियो को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करें,
मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि आप अपने जो लोकल गांव या तो अपना जो कस्बा है उनके जो ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ ये वीडियो जरूर डालें। तो ये हर एक गांव में से एक आधा बंदा ये वीडियो अपने लोकल ग्रुप में डालेगा तो काफी किसानों के पास ऐसे वीडियो चले जाएंगे, तो उनको भी जानकारी मिलेगी, तो उनको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है वो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आपको जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लग रही है, आपको फायदा हो रहा है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ रहे, जय जवान जय किसान।